गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पोएम अ फोटोग्राफ। इट इज रिटन बाय श्रीले टॉलसन। फाइन, सी द टाइटल ऑफ द पोएम फर्स्ट, फोटोग्राफ। सिंपल टाइटल इज देयर, फोटोग्राफ मीन्स फोटोग्राफ के बारे में है। आप इमेजिन कीजिए, जब आप छोटे थे तब आपने कोई फ़ोटो खिंचवाया होगा। फ़ोटो खिंचवाया तो आप उस फोटो को कई वर्षों के बाद फिर देख रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? Such kind of feelings are known as nostalgic feelings. So completely, the poem A Photograph is about nostalgic feelings, in which the poet recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old. ठीक है, जब उसकी माँ कितनी बड़ी थी, 12 years old थी। तो देखिए poet कैसा feel करती है। The cardboard shows me how it was when the two girl cousin went paddling. The cardboard यानी a photo frame in which photo is fixed, ठीक है, shows me, ये मुझे बताता है how it was, कि सब कैसा था, when the two girl cousins went paddling, जब दो girl cousins went paddling, paddling होता है actually walking in the shallow water, क्या होता है paddling, walking in the shallow water, जब दो कजन लड़कियाँ क्या कर रही थीं, शैलो वाटर में पैडलिंग कर रही थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, दोनों लड़कियाँ, दोनों कजन जो थीं वो क्या कर रही थी, श्रीले टॉलसन की मदर के हाथों को पकड़े हुए थे, ठीक है। एंड शी द बिग गर्ल, और वो सबसे बड़ी लड़की थी, शी द बिग गर्ल यानी श्रीले टॉलसन की जो मदर थी वो उनमें बड़ी थी, दो तो कजन हो गई, एंड थर्ड कौन थी, उसकी पोएटेस की मदर थी, ठीक है, वो सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, यानी एट द टाइम व्हेन द फोटोग्राफ वॉज क्लिक्ड पोएटेस मदर वॉज 12 ईयर्स और सो, ठीक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों की तीनों स्टिल खड़ी हुई हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और क्या कर रही हैं, अपने खुले हुए बालों में से स्माइल कर रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, मीन्स अंकल वॉज स्टैंडिंग विद अ कैमरा एंड ही वॉज क्लिकिंग द फोटोग्राफ वाइल द गर्ल्स वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, ठीक है। अ स्वीट फेस माई मदर्स, यानी वेन हर मदर वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम हर फेस वॉज स्वीट, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मीन्स द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द टाइम वेन द पोएटेस वॉज नॉट इन द वर्ल्ड एंड हर मदर वॉज ओनली 12 ईयर्स और सो, ठीक है। यानी ये उस टाइम की बात है जब पोएटेस की मदर किसी बीच पर गई थी, कहाँ पर गई थी, बीच पर गई थी पिकनिक मनाने के लिए, अपनी छुट्टियों में अपने कजन्स के साथ में गई थी, ठीक है, और उस टाइम उनके अंकल भी उनके साथ थे। जनरली आप लोग भी यही करते हो, आजकल तो खैर मोबाइल चल गए, मोबाइल में फ़ोटो ले लेते हैं, बट पहले के टाइम पर कैमरा लेके जाते थे लोग पिकनिक पर जब जाते थे, तो जब पोएटेस वहाँ पर घूमने के लिए गई तो अंकल कैमरा लेकर के गए थे अपने कजन्स के साथ में, पानी में जो मस्ती कर रही थी बीच में, तभी अंकल ने जो फोटो क्लिक कर लिया, और उस फोटो को अब श्रीले टॉलसन जो है काफी सालों के बाद देख रही है, ठीक है, तब ये सारी बातें कह रही है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, यानी सी द मेन थीम ऑफ द पोएम इज नॉस्टैल्जिया, क्या है, नॉस्टैल्जिया, एक्चुअली नॉस्टैल्जिया इज मिक्स्ड फीलिंग्स विद जॉय एंड सॉरो, इसे कहते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, ठीक है। और जो सब थीम है वो है डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिफरेंस बिटवीन मॉर्टल एंड इमॉर्टल्स, ठीक है। तो सी नेचुरल चीज है, ऑब्वियसली चेंज लेस, बहुत कम बदला है। Washed their terribly transient feet. Washed यानी जो चीज बहुत कम चेंज हुआ है इतने सालों में, और इंसान में कितना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया कि पोएटेस की जो मदर है वो अब दुनिया में नहीं है, ठीक है। Washed their terribly transient feet, यानी उनके terribly transient feet को धोया था उसी ने। Transient means temporary, ठीक है, short term. आपको पता ही है ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, क्षणिक होती है, क्षण भंगुर सी होती है, ठीक है। इसीलिए पोएट ने कौन सा वर्ड यूज किया है, ट्रांजिएंट फीट, ठीक है, यानी उनके क्षण भंगुर शरीरों को धो रहा था।
सेकंड स्टैंजा, सम 20-30 ईयर्स लेटर। अच्छा, 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 सालों के बाद। अगर 20 साल के बाद है तो पोएट्रेस की मदर कितनी होगी, 32 की होगी। अगर 30 ईयर्स के बाद है तो 42 की होगी। शी हैज़ लाफ, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। कौन? पोएट्रेस की मदर यानी श्रीले टॉल्सन की मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी फोटोग्राफ। सी बेटी एंड डॉली, देखो कह रही है फोटोग्राफ की तरफ इंडिकेट करते हुए। देखो बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली आर द नेम्स ऑफ हर कजन्स, ठीक है। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखिए वो हमें किस तरीके की ड्रेस पहनाते थे बीच पर जाने के लिए जब हम पिकनिक पर जाते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, क्योंकि अब वो टाइम निकल चुका है। किसका पास्ट था? सी हॉलीडे वॉज द पास्ट ऑफ पोएटेस मदर, माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए पास्ट क्या बन चुका है? हर लाफ्टर, उसकी हंसी मेरे लिए पास्ट बन चुकी है। यानी कि 20 या 30 साल के बाद में पोएटेस ने उस फोटोग्राफ को देखा, जब फोटोग्राफ को देख रही थी तो वो हंस रही थी, स्माइल दे रही थी, ठीक है। यानी सी हॉलीडे उसके लिए पास्ट थी, बिकॉज शी कैन नॉट गो बैक एट दैट टाइम, वो उस टाइम को वापस नहीं ला सकती, ठीक है, तो वो उसके लिए पास्ट हो गया। अब चूँकि मदर इज़ नॉट देयर इन द वर्ल्ड, माँ दुनिया में नहीं है, इसीलिए उसकी जो स्माइल थी वाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ, वाइल लुकिंग एट द स्नैपशॉट, हैज़ बिकम द पास्ट ऑफ द पोएटेस, पोएटेस का पास्ट बन चुकी है, ठीक है। बोथ राई, दोनों, सी द वर्ड डब्ल्यू आर वाई राई, बोथ राई यानी पोएटेस एंड हर मदर, बोथ राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस, बोथ आर एक्चुअली ट्राइंग टू फॉरगेट द लॉस ऑफ टाइम इन एन आयरनिक वे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डब्ल्यू आर वाई यानी ट्विस्ट, बोथ आर ट्विस्टेड, दोनों के दोनों ट्विस्ट हो रखी हैं, विद द लेबर इज ऑफ लॉस यानी टाइम जा चुका है, एंड दे कैन नॉट गेट द टाइम बैक, और वो टाइम को वापस नहीं ला सकते, ठीक है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब मर चुकी है और उसे मरे हुए उतना ही टाइम हो चुका है जितने टाइम की वो लड़की फोटोग्राफ में थी। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड वॉज सी एट द टाइम ऑफ बीच, जब वो बीच पर गई थी तो वो कितनी बड़ी थी, यानी 12 ईयर्स की थी, ठीक है। नाउ शी हैज़ बीन डेड, कौन? पोएटेस की मदर हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी वो लड़की जब वो जब उसने फोटो खिंचवाया था उतना ही टाइम हो गया, यानी कि 12 ईयर्स हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, इट्स साइलेंस साइलेंसिस, इसकी साइलेंस मुझे क्या करती है, साइलेंस कर देती है। मीन्स द पोएटेस डज नॉट वॉन्ट टू से एनीथिंग एल्स अबाउट द लॉस एंड डेथ ऑफ हर मदर, फाइन। Now see the literary devices in the poem. Stood still, alliteration है, ठीक है। Stood still to smile, alliteration है। थ्रू देयर अगेन एलिट्रेशन है। माई मदर्स एलिट्रेशन है। टेरिबली ट्रांजियंट एलिट्रेशन है। एंड साइलेंस साइलेंसिस एलिट्रेशन है, ठीक है। नाउ ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन मीन्स अ टर्म विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, लेबर ईज, यानी एक तरफ तो क्या कह रही है पोएटेस, लेबर कह रही है, एक तरफ ईज कह रही है, लेबर का मतलब कठिन परिश्रम करना, ईज का होता है कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये कैसा है, ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है। एपिथेट, एपिथेट इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग, यानी टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है। सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन द पोएम।
रीड द पोएम केयरफुली एंड लिसन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड डू द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड।